Hey everyone, आज हम सीखेंगे डेली इस्तेमाल के 114 सेंटेंसेस जो कि बहुत ही कॉमन टॉपिक से लिए गए हैं। आपने बस इन सेंटेंसेस को याद करना है और इंग्लिश में बातचीत करना शुरू कर लेना है। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर और हमारे आज के सबक का आगाज कर लेते हैं। पहला टॉपिक है समर सीजन। उफ, आज झुलसा देने वाली गर्मी है। इट्स स्कॉर्चिंग हॉट टुडे, इट्स स्कॉर्चिंग हॉट टुडे। मुझे बहुत पसीना आ रहा है। I am sweating a lot. Oof, बहुत हब्स है यहाँ। It's very suffocated here. It's very suffocated here. पंखा तेज कर दो। Turn the fan up. पंखा स्लो कर दो। Turn the fan down. मुझसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। I can't stand the heat. एक दफा अब जरा हम सिर्फ इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे। It's scorching hot today. I am sweating a lot. मेरे साथ साथ इन सेंटेंसेस को बोलकर प्रैक्टिस लाजमी कीजिए ताकि आपका बोलने का लहजा, आपका एक्सेंट, प्रोनंसिएशन और ओवरऑल फ्लुएंसी बेहतर होती जाए। It's very suffocated here. चंद सेकेंड्स के लिए ये भूल जाएं कि आप पहले किस तरह से बोलते थे। अगर आपने वाकई में अपना एक्सेंट और ओवरऑल फ्लुएंसी बढ़ानी है, बेहतर करनी है, तो आपको मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करनी होगी। यानी एग्जैक्टली जैसे मैं इन वर्ड्स को, इन सेंटेंसेस को बोल रहा हूँ, ऐसे ही बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। इट्स वेरी सफोकेटेड हियर, सफोकेटेड। ये टी डी के जैसा है, ठीक है। इट्स वेरी सफोकेटेड हियर। टर्न द फैन अप, टर्न द फैन डाउन। आई कैंट स्टैंड द हीट। समर सीजन में इस्तेमाल होने वाले कुछ इंग्लिश अल्फाज। स्कॉर्चिंग हॉट, झुलसा देने वाली गर्मी। स्वेटिंग, पसीना आना। स्वेट, पसीना। अलॉट, बहुत ज्यादा। सफोकेशन, सफोकेशन कहते हैं हब्स को। टर्न अप मीन्स तेज करना। टर्न डाउन, आहिस्ता करना। हीट, गर्मी। कांट स्टैंड, बर्दाश्त नहीं होती। ओके, हमारा सेकंड टॉपिक है डायरेक्शंस। मैं 21 नंबर गली में कैसे जाऊं? सबसे पहले हाउ डू आई गेट टू। इतना बोलकर उसके बाद आप जिस जगह जाना चाह रहे हैं उस जगह का नाम बोलिए। हाउ डू आई गेट टू, इसको याद कर लें। हाउ डू आई गेट टू और उसके बाद जगह का नाम। How do I get to street number 21? How do I get to street number 21? क्या आप मुझे करीबी मेट्रो स्टेशन का रास्ता बता सकते हैं? Can you tell me? बता सकते हैं, ठीक है। Can you tell me? इतने सेंटेंस को हम उर्दू में कहते हैं क्या आप मुझे बता सकते हैं। The way to का रास्ता। Nearest, करीब तरीन। मेट्रो स्टेशन। Can you tell me the way to The nearest metro station. क्या ये म्यूजियम जाने का सही रास्ता है? Is this? क्या ये है? The right way. सही रास्ता. Right way means सही रास्ता. To the museum. म्यूजियम की तरफ जाने का. Okay? Is this the right way to the museum? Is this the right way to the museum? किसी भी जगह के लिए आपने पूछना हो कि कितनी दूर है। फॉर example, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कितनी दूर है? हाउ फार इज द, उसके बाद जगह का नाम। हाउ फार इज द स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। करीबी अस्पताल कहाँ है? वेयर इज द नियरेस्ट हॉस्पिटल। करीबी कोई भी बिल्डिंग, अगर आपने पूछना है कि करीबी ये चीज़ कहाँ है, लाइब्रेरी कहाँ है, लेबॉरेटरी कहाँ है, तो आप सिंपली कह सकते हैं वेयर इज़ द नियरेस्ट, उसके बाद उस बिल्डिंग का, उस जगह का नाम। स्टेडियम किस तरफ है या स्टेडियम को कौन सा रास्ता जाता है? विच वे टू द स्टेडियम। क्या आप मुझे पोस्ट ऑफिस तलाश करने में मदद कर सकते हैं? क्या आप मुझे तलाश करने में मदद कर सकते हैं और उसके बाद जगह का नाम।
Can you help me find the post office? Can you help me find the post office? जी, तो directions आप इस तरह से मालूम कर सकते हैं. Hi, हम इतने अरसे बाद मिल रहे हैं. Hi, we are meeting after so long. So long, इतने अरसे बाद. Hey, आजकल क्या चल रहा है? Hey, what's up these days? इत्तेफाकन किसी को किसी जगह पर मिल जाते हैं तो कुछ यूं बोल सकते हैं. Hey, क्या इत्तेफाक है? आप कैसे हैं? Hey, what a coincidence. क्या इत्तेफाक है? इतना बोल लें और उसके बाद How have you been? याद ना रहे तो How are you? How have you been? वैसे अगर आप किसी को काफ़ी अरसे बाद मिलें तो ये बोलें, ठीक है? How have you been? Hey, आप कैसे हैं? Hey, how are you? कोई नई ताज़ी? What's new these days? Hi, आपसे मिलकर अच्छा लगा. Hi, nice to meet you. मैं आज आपसे मिलकर बहुत खुश हूँ. I am so glad to catch up with you today. Topic number 4, shopping. इसकी कीमत कितनी है या ये कितने का है? How much does this cost? क्या मैं ये पहन कर देख सकता हूँ? उर्दू तर्जमा इग्नोर कीजिएगा. Can I try this on? क्या आपके पास ये छोटे साइज में है? Do you have this? क्या आपके पास ये है? ठीक है. In a smaller size. Do you have this in a smaller size? Do you have this in another color? ठीक है. In another color. ओके. मुझे स्कर्ट कहाँ मिलेगी? किसी भी चीज़ का आपने पूछना है कि कहाँ मिलेगी. Where can I find? मुझे कहाँ मिलेगी? उसके बाद उस चीज़ का नाम. क्या मुझे डिस्काउंट मिल सकता है? Can I get a discount? ट्रायल रूम किस तरफ है? Which way is the trial room? क्या ये सेल पर है? Is this on sale? Topic number 5. Asking for help. मदद मांगना. क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? Can you help me, please? Again, एक और तरीका. क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? Could you give me a hand? साथ यहाँ please भी कह लीजिए. Okay? क्या आप मुझे करके दिखा सकते हैं कि कैसे करना है? Can you show me how to do this? कैसे करना है? इतना भी बोल लें. और अगर डिटेल में बोलना हो, पूरा सेंटेंस बोलना हो मीनिंगफुल, तो कैन यू शो मी हाउ टू डू दिस. आपको मेरी मदद करने में कोई एतराज़ तो नहीं? वुड यू माइंड असिस्टिंग मी? देखिए, यहाँ पर बात एतराज़ वाली बिल्कुल भी नहीं है. आप सिंपली किसी से पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो आपके लिए कुछ कर दे. ठीक है, क्या आप काइंडली मेरे लिए कर देंगे? इस तरह से जब हमें बात करनी हो तो आप वुड यू माइंड का यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, एक पोलाइट रिक्वेस्ट किसी से कुछ कहने के लिए कि वो आपके लिए कर दे. वुड यू माइंड डूइंग दिस फॉर मी? इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं. मुझे इसमें थोड़ी मदद चाहिए. I need some assistance with this. I need some assistance with this. Topic number 6. Work related. इस प्रोजेक्ट की आखिरी तारीख क्या है? What's the deadline for this project? Deadline, आखिरी तारीख. What's the deadline for this project? क्या हम एक मीटिंग शेड्यूल कर सकते हैं? Can we schedule a meeting? क्या आप मुझे दस्तावेज भेज सकते हैं? Can you send me the document? मैं कल दफ्तर से बाहर होऊंगा. I'll be out of office tomorrow. ये बाद में डिस्कस करते हैं. Let's discuss this later. ये सेंटेंसेस आप रेस्टोरेंट में यूज कर सकते हैं. क्या मैं मेन्यू देख सकता हूँ?
Can I see the menu, please? क्या मैं बिल ले सकता हूँ? Can I get the bill, please? क्या मुझे एक ग्लास पानी मिल सकता है? Can I have a glass of water, please? Can I have a glass of water, please? क्या ये डिश मसालादार है? Is this dish spicy? Is this dish spicy? आपकी खिदमत का शुक्रिया. Thank you for your services. Thank you for your service. मेरा इंतज़ार करने का शुक्रिया. Thank you for waiting on me today. Thank you for waiting on me today. ये sentences आप यूज करेंगे वक्त के रिलेटेड इंग्लिश में बात करने के लिए. अब वक्त क्या हुआ है? What time is it? Time क्या हुआ है? What is the time by your watch? What is the time by your watch? ये किस वक्त खुलता है? What time does it open? What time does it open? ये किस वक्त बंद होता है? What time does it close? क्या हम दोबारा शेड्यूल कर सकते हैं? Can we reschedule? Can we reschedule? मैं 10 मिनट में वहां पहुंच जाऊंगा. I'll be there in 10 minutes. I'll be there in 10 minutes. मुझे देर हो रही है. I'm running late. I am running late. किसी को मदद की ऑफर करने के लिए इन सेंटेंसेस का इस्तेमाल कीजिए. मैं आपकी किस तरह मदद कर सकता हूँ? How can I help you? How can I help you? क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ? Is there anything I can do for you? Is there anything I can do for you? क्या आपको मदद चाहिए? Do you need a hand? Do you need a hand? अगर आपको मदद चाहिए तो मुझे बताएं. Let me know if you need assistance. Let me know if you need assistance. Let me know if you need assistance. मैं यहाँ मदद के लिए हूँ. I'm here to help. I'm here to help. लोगों के साथ घुलने मिलने उठने बैठने के लिहाज से इंग्लिश के ये सेंटेंसेस यूज कीजिए. चलें बाद में मिलते हैं. Let's catch up later. कॉफी पीने चलें. Wanna grab a coffee? Wanna grab a coffee? क्या आप इस वीकेंड फ्री हैं? Are you free this weekend? Are you free this weekend? थोड़ा इकट्ठे वक्त गुजारते हैं. Let's hang out sometime. Let's hang out sometime. Hang out means इकट्ठे टाइम गुजारना. क्या आप हमारे साथ डिनर पर आना चाहेंगे? Do you want to join us for dinner? Do you want to join us for dinner? किसी के साथ ताज़ियत करनी हो तो ये वाले इंग्लिश फिकरात यूज करें. ये सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ. आई एम वेरी सॉरी टू हियर दैट. आई एम वेरी सॉरी टू हियर दैट. ये आपके लिए मुश्किल होगा लेकिन मैं हर चीज़ के लिए यहाँ हूँ, यानी आपके साथ हूँ. दिस मस्ट बी डिफिकल्ट फॉर यू बट आई एम हियर फॉर एनीथिंग. मेरी हमदर्दी मुतासरीन के खानदानों के साथ है. My heart goes out to the families of the survivors. कोई हादसा हुआ है उसमें जो लोग बच गए हैं उनके लिए आप अपनी हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं. My heart goes out to the families of the survivors. मैं आपकी जल्द सेहत याबी के लिए दुआगो हूँ. I am praying for your quick recovery. I am praying for your quick recovery. राय का इजहार करने के लिए इंग्लिश फिकरात. आपका क्या ख्याल है? What do you think? What do you think? मेरे ख्याल में पिंक में ये बेहतर लगेगा. I think that it will look better in pink. मेरी राय में या मेरे ख्याल में हमें उसे मुलाजमत दे देनी चाहिए. In my opinion, मेरे ख्याल में. We should hire him. Hire means मुलाजमत देनी चाहिए, ठीक है? We should hire him. मैं मुत्तफिक हूँ. I agree. मैं इख्तलाफ करता हूँ. I disagree. कुछ दोस्त ये वाला सेंटेंस I am agree बोलते हैं जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है. आपने क्या बोलना है? I agree या I disagree? मुझे इख्तलाफ है. I beg to differ. I beg to differ. आपने जो बात की वो अच्छी थी. That's a good point you made. लैंग्वेज यानी जुबान के रिलेटेड इंग्लिश सेंटेंसेस. क्या आप ये दोबारा कह सकते हैं? Could you repeat that please? Could you repeat that please? जुबान की वजह से अगर आपको कोई बात समझ नहीं आ रही
तो आप उसे रिपीट करने के लिए कुछ इस तरह से बोल सकते हैं, मैं समझा नहीं, आई डोंट अंडरस्टैंड, आई डोंट अंडरस्टैंड। क्या आप मजीद वजाहत कर सकते हैं, कुड यू प्लीज एक्सप्लेन दैट मोर, कुड यू प्लीज एक्सप्लेन दैट मोर। क्या आप आहिस्ता बोल सकते हैं, कैन यू स्पीक मोर स्लोली प्लीज, कैन यू स्पीक मोर स्लोली प्लीज। क्या आप उर्दू बोलते हैं, डू यू स्पीक उर्दू। आप इसे अंग्रेजी में कैसे कहते हैं, हाउ डू यू से दिस इन इंग्लिश, हाउ डू यू से दिस इन इंग्लिश। तारीफ करनी हो या फिर देनी हो मुबारकबाद तो ये वाले इंग्लिश फिक्रात बोलें, मुबारक हो, आपने बहुत अच्छा काम किया है, कंग्रेचुलेशंस, यू डिड अ ग्रेट जॉब, बहुत खूब, आपने इसमें बहुत अच्छा किया, वेल डन, यू वर रियली गुड एट इट। आप आज बहुत अच्छे लग रहे हैं, यू लुक नाइस टुडे, यू लुक नाइस टुडे। मुझे आपका लिबास बहुत पसंद आया, आई लव योर आउटफिट, आई लव योर आउटफिट। आपकी मुस्कुराहट बहुत खूबसूरत है, योर स्माइल इज प्रीटी, योर स्माइल इज सो प्रीटी। कंग्रेचुलेशंस, यू डिड अ ग्रेट जॉब, वेल डन, यू आर रियली गुड एट इट, यू लुक नाइस टुडे, आई लव योर आउटफिट, योर स्माइल इज सो प्रीटी। किसी को इनवाइट करना हो या फिर प्लान्स बनाने हो तो ये वाले सेंटेंसेस बोले, क्या आप आना पसंद करेंगे, वुड यू लाइक टू कम ओवर, वुड यू लाइक टू कम ओवर। क्या आप मंगल को फ्री हैं, दस्तियाब हैं, आर यू अवेलेबल ऑन ट्यूजडे। क्या मैं कुछ लेकर आऊं, कैन आई ब्रिंग एनीथिंग। मुझे किस वक्त पहुंचना चाहिए, व्हाट टाइम शुड आई अराइव, व्हाट टाइम शुड आई अराइव। चलो मिलकर फिल्म देखते हैं, लेट्स गो टू द मूवीज टुगेदर, लेट्स गो टू द मूवीज टुगेदर। इन छोटे छोटे फिक्रात से फीलिंग्स या इमोशंस का इजहार कर सकते हैं, मैं आपके लिए वाकई खुश हूं, आई एम रियली हैप्पी फॉर यू, आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। ये सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ, आई एम सो सॉरी टू हियर दैट। ये तो जबरदस्त है, दैट्स अमेजिंग। ये बहुत परेशान कुन है, दैट्स फ्रस्ट्रेटिंग, दैट्स फ्रस्ट्रेटिंग। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा, आई कैंट बिलीव इट, आई कैंट बिलीव इट। तारुफ करना या करवाना हो तो ये वाले इंग्लिश फिक्रात यूज करें, आपका नाम क्या है, व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम। मेरा नाम अलीना है, माय नेम इज अलीना। मैं यहां काम करता हूं, आई वर्क हियर, आई वर्क हियर। आप कहां से हैं, वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम। आप क्या काम करते हैं, व्हाट यू डू फॉर अ लिविंग, व्हाट यू डू फॉर अ लिविंग। और आज का आखिरी टॉपिक गुड बाय कहना हो तो ये वाले छोटे छोटे फिक्रात यूज कर लें, खुदा हाफिज, गुड बाय। आपसे मिलकर खुशी हुई, इट वॉज अ प्लेजर मीटिंग यू, इट वॉज अ प्लेजर मीटिंग यू। फिर मिलेंगे, सी यू लेटर। अपना ख्याल रखना, टेक केयर। आपका दिन अच्छा गुजरे, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट डे। कंग्रेचुलेशंस दोस्तों, आपने कॉमनली यूज 114 सेंटेंसेस सीख लिए हैं जो कि हमने लिए 18 मुख्तलिफ कॉमन टॉपिक से। इन छोटे छोटे सेंटेंसेस को आज से ही अपनी मदर टंग में मिक्स करके यूज करना शुरू कर लीजिए। स्टेप बाय स्टेप चलिए, सबसे पहले अपना इंग्लिश बोलने का जो डर है, फियर है और हेजिटेशन है, इसको दूर कीजिए। आहिस्ता आहिस्ता इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंट होते जाएंगे। और अगर आपको लगता है कि आपको इंग्लिश पढ़नी आती है, समझ लेते हैं लेकिन बोल नहीं पाते, तो आज से ही इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। इसका सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आप अपनी मदर टंग में इन छोटे छोटे सेंटेंसेस को मिक्स करके बोलना शुरू कर लें। आपका खौफ आहिस्ता आहिस्ता खुद ही जाता रहेगा इंग्लिश बोलने का, और आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। फिर जो इंग्लिश इस वक्त आपके माइंड में है वो भी आहिस्ता आहिस्ता आपकी ज़ुबान पर आनी शुरू हो जाएगी। यूं ही हमारे साथ जुड़े रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और अपने इंग्लिश को बेहतर बनाते रहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ बहुत जल्द। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।